फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा ऑफ रोड टाइप ही लग रहा है मेरे को भी, बट बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग प्लेस है आगे जाके। और इसके बारे में इतना कोई जानता भी नहीं है, ना इसके बारे में आज दिन तक कोई वीडियो बनी है यूट्यूब वगैरह में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर एक न्यू वीडियो और एक न्यू लोकेशन के साथ आप सबके बीच में पहुंच चुका हूं गाइस। और आज मैं आपको जहां पर लेके जाने वाला हूं वो बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्लेस है। और उस प्लेस का संबंध मैं आपको बता दूं तो बाबा बालकनाथ देवसिंह से जुड़ा हुआ है, इसलिए आज का ट्रैक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और ये कांगड़ा के जंगलों के ठीक बीचों बीच में है ये वाला प्लेस। तो अभी मैं आज बिना टाइम वेस्ट किए आपको वहीं लेके चलूँगा और वहाँ तक पहुँचने का भी पूरा बताऊँगा और उस प्लेस के बारे में भी बताऊँगा गाइस। और अगर अभी तक आपने मेरे हिमालयन ब्लॉगर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही न्यू वीडियोस लेकर आते रहें। और मैं आपको बता दूं गाइस, तो इस प्लेस के बारे में बहुत ही ज़्यादा कम लोग जानते हैं, यहाँ के लोकल वगैरह भी बहुत कम जानते हैं, बिकॉज़ मैं भी नहीं जानता था। तो इस करके आपको दिखाने के लिए मैं इस प्लेस को ट्रैक कर रहा हूँ आज, एंड आई होप आपको पसंद आएगी वीडियो। तो गाइस, वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहे, तो अभी मैं आपको वहीं सीधा लेके चलता हूँ। जो आप ठीक सामने मेरे देख पा रहे हैं ये है कांगड़ा फोर्ट, जो कि अभी यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से मैं आपको बताऊँ तो जो आप सामने मेरे ये रोड देख पा रहे हैं, तो अभी हम इसी रोड को आगे जाएंगे और आगे मैं आपको कांगड़ी दार भी दिखाऊंगा, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। और जो ये आप ठीक सामने ऊपर मंदिर देख पा रहे हैं, तो ये है जयंती माता का मंदिर, ये भी इसी रोड में आपको देखने को मिलेगा। सो गाइज, ये है कांगड़ी धार जो आप ठीक मेरे सामने देख पा रहे हैं, बहुत ही औसम व्यू है यहाँ का। और मानसून के सीज़न में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू हो जाता है यहाँ का।
सो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं जहां से हमारा अभी पैदल ट्रैक स्टार्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं, कांगड़ा से यहां तक आपका 10 किलोमीटर का रोड का ट्रैक था, और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं नर्सरी, तो बस यहीं तक आपकी बाइक्स वगैरह आएंगी और यहां से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। जो आप ये नीचे खड़ देख पा रहे हैं, बस यहीं से है। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा ऑफ रोड टाइप ही लग रहा है मेरे को भी, बट बोलते हैं काफ़ी ही ज़्यादा अमेजिंग प्लेस है आगे जाके, और इसके बारे में इतना कोई जानता भी नहीं है, ना इसके बारे में आज दिन तक कोई वीडियो बनी है यूट्यूब वगैरह में, ना ही इतना कोई जानता है। तो मेरा मोटिव वही रहता है कि मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ भी और प्लेस भी अमेजिंग ऐसे जो सीक्रेट हैं अभी हाइड हैं वो सारे आपको दिखाऊँ। तो मैं भी आपको यहाँ का ट्रैक बताता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि इस प्लेस के लिए दो ट्रैक जाते हैं, एक मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, और एक हमने जहाँ रोड से टर्न लिया था, तो उसी रोड को आप थोड़ा आगे चल जाओगे, आगे जाके आप किसी को भी इजली पूछ सकते हो कि बंडोर पित्ती बाबे के मंदिर जाना है, वो आपको बता देंगे। और वो वाला ट्रैक जो है वो जंगल से होके है सारा, और ये वाला ट्रैक आपका आप मेरे साथ देख पा रहे हो सीधा पूरा ऐसे खड वगैरह पत्थरों वगैरह से होके है, तो वो वाला इजी है और ये वाला थोड़ा टफ है। आज मेरे साथ हैं मेरे दोस्त अर्जुन, और आज हर वीडियो में कमेंट करके बोलते थे मेरे को भी लेके चलो नेक्स्ट ट्रैक में, इस बार इनको लेके आए और इन्हीं के ट्रैक पे आए हैं। मुझे तो इस लोकेशन का पता नहीं है कुछ भी, बट इनको पता है, ये पहले आए हुए हैं, बट आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आगे देख पा रहे हैं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ओनली यहाँ पे खड्ड पत्थर पानी बस यही दिखाई दे रहा है। बट चलो बोलते ऊपर जाके, बहुत ही ऑसम प्लेस है और वहाँ जाके देखते हैं, नहीं मिला तो फिर इनको पूछना। तो गाइस, फाइनली 5-6 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं। यहाँ से ये सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हैं, तो अभी हम यहाँ से इन सीढ़ियों को चढ़ेंगे, और ट्रैक आप देख ही पा रहे हैं कैसा था हमारा ट्रैक, पूरे पत्थर और पहाड़ियाँ, पीछे देख रहे हो कितनी ऊंची-ऊंची पहाड़ियाँ हैं। तो बस इसी ट्रैक में आए, बड़ा ही एक्सपीरियंस ख़तरनाक रहा। तो अभी हम यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट करेंगे। गाइस, अभी हम फाइनली पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, और आप ये जो बड़ा सा पहाड़ सप्पड़ बोलते हैं जिसे देख पा रहे हैं, ठीक इसके अंदर मंदिर है। तो अभी मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ। देख पा रहे हैं यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, और अंदर शिवलिंग है, और जगह है आप ऊपर देख पा रहे हैं मेरे एकदम सूखा सप्पड़, बट इसमें पानी की एक एक बूंद नीचे हमेशा गिरती ही रहती है कंटिन्यू, और
पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बर्तन वगैरह भी हैं और रहने के लिए गद्दे वगैरह सारा सामान है। तो यहाँ पे जैसे नाइट में कैंपिंग और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पर्सन आते हैं जो नाइट में भी स्टे करते हैं यहाँ पे, और रहने के लिए यहाँ पे पूरा सामान रखा हुआ है। और बाकी लकड़ियाँ वगैरह भी है यहाँ पे, और पक्की चूल्हे वगैरह बने हुए हैं, और यहाँ पे उपली साइड वहाँ पे पानी वगैरह ईजिली मिल जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है, आज से कई वर्ष पहले यहाँ इस स्थान पर किसी साधु ने बैठकर 3 साल तपस्या की थी और फिर अपनी चरण पादुका के निशान एक पत्थर में छोड़कर दियोसिद बाबा बालकनाथ चला गया, या फिर वो बाबा बालकनाथ दियोसिद से आया हुआ था। और ऐसा भी मानना है कि पहले इस स्थान पर बंडोर जंगली मधुमक्खियां काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, और आज भी जो यहां रात्रि में ठहरते हैं उन्हें रात को मधुमक्खियों की आवाज़ सुनाई देती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहां इस पहाड़ में बूंद बूंद पानी की हमेशा गिरती ही रहती है। यहां पहले दूध और छाछ की बूंद बूंद गिरा करती थी, और यह जो भी भक्तजन आते हैं और मन्नत मांगते हैं उनकी हर मन्नत पूरी होती है। यहाँ अब वर्तमान में श्रद्धालुओं ने अपनी मन्नत अनुसार श्रद्धा अनुसार काफ़ी कुछ बनवा दिया है। और इस स्थान को पहले किसने देखा था या किसने बनवाया था यह सब कोई नहीं जानता है। बस यही मानना है यह एक प्रकृति का अद्भुत अजूबा है, और दूर दूर से यहाँ भक्तजन आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। जैसा कि अभी आपने मेरे साथ इस प्राचीन मंदिर को देखा, और बहुत ही खूबसूरत है गाइस यहाँ का। और मैं ट्रैक का बताऊँ तो ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। और यहाँ आके आप टोटली रिलैक्स हो जाओगे जैसे हम हो गए थे, बिकॉज ट्रैक में काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, बट यहाँ के टोटली रिलैक्स फीलिंग गाइस अमेजिंग। तो गाइस मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा, जब भी आप आओ तो ज़रूर आओ यहाँ पर भी। और मैं जल्दी न्यू वीडियो और न्यू लोकेशन के साथ आपसे मिलूंगा गाइस। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को हिमालयन ब्लॉगर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैं जल्दी न्यू वीडियो और न्यू लोकेशन के साथ आपसे मिलूंगा गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।